देश के विभिन्न हिस्सों से लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश में आने वाले प्रवासी मजदूरों की वापसी को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ के लोक भवन में टीम 11 के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए बड़ा फैसला लिया। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया है कि राज्य के हर जिलों में एक अतिरिक्त आईएएस और सीनियर पीसीएस अधिकारी को तैनात किया जाए। ये अधिकारी विभिन्न राज्यों से उत्तर प्रदेश वापस आने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए की गई व्यवस्थाओं की देखरेख के साथ जिलाधिकारी का सहयोग भी करेंगे। साथ ही ये अतिरिक्त अधिकारी अपनी रिपोर्ट मंडल के कमिश्नर को सौंपेंगे। सीएम ने यह भी साफ कहा है कि अधिकारी ये भी सुनिश्चित करें कि हॉटस्पॉट वाले इलाके का कोई भी व्यक्ति अपने काम पर ना निकले। सीएम योगी ने प्रदेश के राजस्व वृद्धि के वैकल्पिक स्रोत को चिन्हित करने की योजना बनाने को भी अधिकारियों को निर्देशित किया है। सीएम प्रवासी मजदूरों को रोजगार के लिए एक जनपद एक उत्पाद श्रम सम्मान दुग्ध समितियों की योजनाओं से भी जोड़ने के लिए कहा है। गौरतलब है कि श्रमिकों के लिए विशेष ट्रेन चलने के बाद से जिस तरह से बड़ी संख्या में मजदूरों की घर वापसी हो रही है और उनके राज्य में पहुंचने के बाद उनकी सही से जांच हो, उन्हें क्वारंटीन सेंटर या शेल्टर होम से उनके घर पहुंचने तक मजदूरों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उन्हें राशन किट उपलब्ध हो, इन सभी व्यवस्थाओं की देखरेख के लिए सीएम द्वारा उठाया गया ये कदम काफी अहम माना जा रहा है।